प्रिय विद्यार्थियों, ये इस समय आप देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल और इस यूट्यूब चैनल पर कक्षा सातवीं का गणित अध्याय 12 बीजी व्यंजक की प्रश्नावली है 12.1 और उसका है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है देखें, इसके दो भाग हैं चौथे सवाल का, ए और बी। तो ए है, वे पद पहचानिए जिनमें एक्स हो और फिर इसमें एक्स का गुणांक लिखना है। तो देखो पहला पद क्या है, पहला सवाल है ये वाई वर्ग एक्स धन वाई। तो इसमें एक्स देखना है कि कौन से पद में एक्स है, तो इस पद में एक्स है वाई वर्ग एक्स। तो ये पद है वाई वर्ग एक्स और इसमें एक्स का गुणांक क्या है, वाई वर्ग है, एक्स का गुणांक है वाई वर्ग। दूसरा सवाल देखें, ये देखो दूसरा है 13y^8y(x), इसमें जिसमें एक्स हो वो पद देखना है। तो ऋण 8y(x), ये ऋण 8y(x) वो पद है जिसमें एक्स है और उसमें एक्स का गुणांक क्या है, ये एक्स का गुणांक है ऋण 8y। ये मैं रात में अंधेरे में थोड़ा वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा है ये है व्यंजक एक्स धन वाई धन दो, तो वो पद देखना है जिसमें एक्स हो, तो ये पद है एक्स एक्स, पर इसका गुणांक कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना है, एक है। अब हम देखते हैं चौथा सवाल, ये रहा चौथा सवाल है 5 ÷ z ÷ z(x), तो इसमें एक्स वाला पद है जेड एक्स और इसमें एक्स का गुणांक है जेड। अब देखो ये छठा सवाल है 1 ÷ x ÷ xy, तो एक्स वाले पद दो हैं, एक तो एक्स है और दूसरा है एक्स वाई। तो एक्स का गुणांक कुछ नहीं लिखा, मतलब एक, और यहां पर एक्स का गुणांक क्या है, वाई है। एक्स के साथ किसका गुणा हो रहा है, वाई का गुणा हो रहा है, तो यहां एक्स का गुणांक है वाई। छठा सवाल 12x y^25, तो वो पद लिखना जिसमें एक्स हो, तो ये है 12x y^। अब इसमें एक्स का गुणांक मतलब एक्स को छोड़ के जो लिखा है वो 12y^, तो ये 12y^ क्या हो गया, एक्स का गुणांक हो गया। सातवां सवाल 7 ÷ x y^, तो एक्स वाला पद है एक्स वाई वर्ग और उसमें एक्स जो है उसका गुणांक क्या है, वाई वर्ग, तो ये वाई वर्ग एक्स का गुणांक है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4 का b। 4 का b क्या है, वे पद पहचानिए जिनमें वाई वर्ग है और फिर इनमें वाई वर्ग का गुणांक लिखिए। तो देखो पहले वाले में, पहला वाला है 8 ÷ x y^, तो इसमें वाई वर्ग वाला पद है ऋण एक्स वाई वर्ग और इसमें वाई वर्ग का गुणांक क्या है, यह है ऋण एक्स। दूसरा सवाल 5y^-7x, तो इसमें वाई वर्ग वाला पद है 5y^ और इसमें वाई वर्ग का गुणांक क्या है, 5, ये 5। तीसरा देखें सवाल 2x^y (-15xy^-7y^, तो इसमें वाई वर्ग वाले पद दो हैं, एक तो है ऋण 15xy^ और दूसरा है 7y^। तो देखो यहां पर ऋण 15xy^, ऋण 15xy^ ये वाई वर्ग वाला पद है, इसमें वाई वर्ग का गुणांक क्या है, ऋण 15x, और दूसरा पद है 7y^, इसमें वाई वर्ग का गुणांक कितना है, 7। तो आपने देखा ये कक्षा सातवीं का गणित अध्याय 12 बीजी व्यंजक की प्रश्नावली 12.1 का चौथा सवाल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।